कीर्ति, ये कौन सी लोकेशन है? इट्स अमेजिंग। अरे ये सुवेना है, अमेरिका में है। तू अमेरिका कब गई? तेरे डैड ने तुझे परमिशन दे दी? अरे शादी करने का एक ही तो फायदा है, हनीमून के नाम पर पूरी दुनिया घूम सकते हैं। सुवेना, मेरी शादी करवा दीजिए ना पापा। एक हफ्ते में भी चलेगी? ओके। मैं आपको अच्छा लगा ना? मेरे वजन से आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? घर वाले समझ रहे हैं कि चैत्रा को ये लड़का पसंद है, पर अमेरिका घूमने की जो उसकी ख्वाहिश है, ये लड़का बस उस ख्वाहिश का वीजा है। ये आपको पता है, लेकिन लड़के को नहीं। तो आप चट मांगनी पट गया। शादियां तो ऊपर वाला ही तय करता है, शायद ये बात इस परिवार को पता नहीं। खुशियां मना रहे हैं, पर भगवान ने हमारी चैत्रा के लिए कौन सा वर ढूंढा है वो हमें जल्द ही पता चल जाएगा। ये दाढ़ी किस लिए? कोई मन्नत है? नहीं नहीं, मन्नत क्यों मांगूंगा, ऐसे ही अच्छा लगता है, स्मार्ट दिखता है। व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग? अरे बाप रे, ये क्यों पूछ लिया? समझ में नहीं आया। ओके, आप अपना खर्चा चलाने के लिए क्या करते हैं? कुछ काम भी करते हैं? प्रिसाइजली आप एक महीने में कितना कमा लेते हैं? वो क्या है ना, मेरे पापा की पेंशन का 16,000 रुपए आता है, और उनके जाने के बाद 4,00,000 रुपए मिले थे, उसका ब्याज करीब 12,000 रुपए है, तो 16 + 12 मिला लो तो बनते हैं 28,000। एकदम करेक्ट। मैडम बिल। सर दिन रात मेहनत करके पैसा कमाते हैं, भर देंगे। इन द नेम ऑफ द होली फादर एंड ऑफ द सन। उसी का फोन है, फेसबुक पे शादी की खबर सुन के फोन किया होगा। मुझे बिना बताए शादी कर रहा है? अरे मुझे भी नहीं पता, मुझे भी बताया गया, 1 घंटे पहले तो मिली है ये। बस 1 घंटे पहले? अच्छा लड़की का नाम क्या है? बेबी व्हाट्स योर नेम? शाओ। आई एम वैनिला। बिना नाम जाने शादी कर रहा है तू? अरे लास वेगास में ये सब कॉमन है यार, पता ना यहाँ इस तरह की बहुत शादियाँ होती है, और ये लड़की बहुत पैसे वाली है, वेरी रिच, और यहाँ की लड़कियाँ इंडियंस पे मरती हैं। देख एक सलाह देता हूँ, तू भी इधर आ जा। हाँ माँ, अभी एयरपोर्ट पहुँची हूँ। माँ आप घबराओ मत। Hold on a minute. लगता है पागल है। Are you all right? अगर आपने कुछ देर इसी तरह पकड़ कर रखा तो मुझे डर है कि शायद मैं जिंदा ना रहूं। हेलो सर, हम कई बरसों से जिस क्रिमिनल को ढूंढ रहे हैं, मास्टर ऑफ डिस्गाइज, शायद होटल ए लाउंज में है सर। What? क्या बात कर रहे हो? How does he look? सॉरी सर, 2 साल से अंडरकवर रहकर भी वो कैसा दिखता है मैं पता नहीं लगा पाया। सर, शायद वो ब्लैक सूट में है। लॉन्च में ब्लैक सूट में बहुत से लोग होंगे, उसे पहचानूंगा कैसे? उसके पास एक पॉकेट वॉच है सर। इट्स वियर्ड। सर, ही इज अ लेफ्ट हैंडर सर। एक बात पक्की है सर, उसे पकड़ने का ये आखिरी मौका है सर। सुना है वो हमेशा के लिए इंडिया छोड़कर जा रहा है। What? आप सावधान रहना सर, डिपार्टमेंट का एक आदमी उससे मिला हुआ है। Tell me the name. उसका नाम है विक्रम। हेलो 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 सर, देयर इज अ कॉल फॉर यू। बहुत अच्छी पार्टी है ना? पार्टी है यार। चल हम लोग नीचे चलते हैं, चल। क्लोज ऑल द एंट्री एंड एग्जिट डोर्स। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग अ पार्टी। आई एम भारद्वाज, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस 5 मिनट लगेंगे। सो गाइज, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स एंड आफ्टर दैट यू कैन कंटिन्यू योर पार्टी। ए, छोड़ दे इसे, छोड़ दे इस लड़की को। यू कांट एस्केप, यू कांट एस्केप। सॉरी, यू कैन गो।
यू कैन नेवर कैच मी. हैप्पी दिवाली. आज कौन बने आप? मोहिनी है. और कैसे किया? इट्स अ लॉन्ग इंटरेस्टिंग स्टोरी, चलते हुए सुनाता हूं. चल हम लोग नीचे चलते हैं, चल. व्हाट यू वांट सर? ये तुम्हारी ड्रेस चाहिए. सुनिए, बच्चों को कहीं देखा क्या? यहीं कहीं होंगे, उस साइड में जाकर हाँ. देखो. हाय डार्लिंग, इतनी टेंशन में क्यों हो? तेरा बेटा जिंदा मिलेगा या नहीं मिलेगा यही सोच रहा है ना तू? नहीं, क्या बकवास है, कौन हो तुम? His life is in my hands. Come. ए, क्या चाहिए तुम्हें? तुझे क्या चाहिए? मुझे मेरा बेटा चाहिए. तो तुझे मानना होगा. ले खुद को मार ले. ए, 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 ए. अगर मैं मर गया तो तेरा बेटा नहीं बचेगा ना? मुझे नहीं, खुद को मारा जा. hey! सुनिए सुनिए सुनिए, आज की ताजा खबर. साधारण सी बात है, लोग कहते हैं कि शादियां स्वर्ग में तय होती हैं. अरे भाई, आज के व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जमाने में भी क्या सचमुच जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं? ये सवाल अब भी लोगों के दिमाग में है. जब यही सवाल नारद जी ने इंद्रदेव से पूछा तो इंद्रदेव जी का अहंकार जाग उठा. इंद्रदेव में अहंकार? जी हाँ, देवताओं में भी तो अहंकार होता है ना. और फिर देखते ही देखते नारद जी का ये सवाल इंद्रदेव के लिए एक चैलेंज बन गया. क्या शादियां सच में स्वर्ग में तय होती हैं? इस बात को साबित करने के लिए इंद्रदेव नारद जी को लेकर स्वर्ग से धरती की ओर निकल पड़े. अब इंद्रदेव को एक लड़का और एक लड़की की तलाश थी. लेडीज फर्स्ट कहावत के मुताबिक पहले लड़की की तलाश शुरू हुई. नारायण. अब इस लड़की के बारे में बात करें तो इसकी माँ लक्ष्मी, बाप नारायण मूर्ति दूरदर्शन में काम करते हैं. नमस्कार, अब सुनिए मौसम का हाल. अनुमान है कि एक हफ्ते तक बारिश होने की कोई भी संभावना नहीं. मौसम के जानकारों का कहना है कि कड़ी धूप पड़ने वाली है और साथ ही साथ लू चलने की अपने संभावना. आपको मौसम का ज्ञानी समझने वाले मूर्ति जी ने आज तक मौसम की एक भी सही भविष्यवाणी नहीं की. आज उनकी बेटी का नामकरण है. चैत्रा, चैत्रा. अरे जल्दी से कलश लेकर आओ. आज चैत्रा का अन्न प्राशन. बाप की इच्छा है कि बेटी किताब पकड़े, माँ सोचती है कि कुछ भी पकड़ ले पर पैसा ना पकड़े. देखते हैं हमारी चैत्रा क्या करती है. जिंदगी भर कोई भी काम नहीं करने वाली दादी पर गई है हमारी चैत्रा. दशहरे के समय पूरे परिवार के साथ आए मामा जी. दिवाली के बाद घर वापस लौट रहे थे. किताब में क्या लिखा है बताओ? किताब को छोड़ो, जाने से पहले मुझे मेरा गिफ्ट दो. बेचारी चैत्रा, दिवाली की छुट्टियों के बाद आज उसके स्कूल का पहला दिन है और बस अब से कुछ ही देर में पेज नंबर 22 का पाठ पढ़ाया जाने वाला है. पेज नंबर 22 ओपन करो बच्चों. यस मैम. किसी चैप्टर को लिखने के लिए लेखक को जितनी तकलीफ उठानी पड़ती है उससे कहीं ज्यादा तकलीफ बच्चों को उसे पढ़ने में होती है. पर चैत्रा की तकलीफ कुछ अलग ही है. मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बस चैप्टर नंबर 22 ओपन करने के लिए कहा था. बुक ओपन करते ही उसकी हिचकियां शुरू हो गई. आइए ना,
बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने वाले डॉक्टर चैत्रा का इलाज नहीं ढूंढ पाए, पर उसे पैदा करने वाली 10वीं पास माँ के पास उसका इलाज था। ए चैत्रा, मामा का दिया हुआ नोट घर पर गिर गया था। चैत्रा के हाथ में जो न्यूज़पेपर है वो उसकी जिंदगी कैसे बदलने वाला है, आइए देखते हैं। एक करोड़ रुपए जीतने वाला इंसान। आई वॉन्ट टू बिकम अ मिलियनेयर। बाप रे बाप, बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। जब तक इन गुंडों के हाथ पैर नहीं तोड़ेंगे ना, कुछ नहीं होने वाला है। हे भगवान, आई वॉन्ट टू हिट बैड बॉयज। हे चैत्रा, क्या लिख रही है बताना, क्या सीक्रेट है? ए चैत्रा, रुक, नहीं बताऊंगी। क्या करिए? ए अरे रुक, नहीं बताऊंगी। यस। इस पेपर पर चैत्रा ने जो अपनी तीसरी ख्वाहिश लिखी है वो चैत्रा के अलावा कोई नहीं जानता। कीर्ति, ये कौन सी लोकेशन है? इट्स अमेजिंग। अरे ये सुवेना है, अमेरिका में है। तू अमेरिका कब गई? तेरे डैड ने तुझे परमिशन दे दी? अरे शादी करने का एक ही तो फायदा है, हनीमून के नाम पर पूरी दुनिया घूम सकते हैं। सुवेना, मेरी शादी करवा दीजिए ना पापा। एक हफ्ते में भी चलेगी? ओके। मैं आपको अच्छा लगा ना? मेरे वजन से आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? घर वाले समझ रहे हैं कि चैत्रा को ये लड़का पसंद है, पर अमेरिका घूमने की जो उसकी ख्वाहिश है, ये लड़का बस उस ख्वाहिश का वीजा है। ये आपको पता है, लेकिन लड़के को नहीं। तो आप चट मांगनी पट ब्याह। शादियां तो ऊपर वाला ही तय करता है, शायद ये बात इस परिवार को पता नहीं। खुशियां मना रहे हैं, पर भगवान ने हमारी चैत्रा के लिए कौन सा वर ढूंढा है वो हमें जल्द ही पता चल जाएगा। चलो चलो लाइन में, चलो लाइन में, लाइन में। नाम क्या है? रामकृष्ण सर। सरनेम? तिवारी। बट्टेबाज, लाइन में खड़े रहो। नाम? बट्टेबाज। आप ही ने बुलाया ना? नारायण। चल अंदर। इसका नाम है सत्या। सत्या में सत्य शब्द आता है, इसे अपने नाम से बहुत प्यार है। इससे चाहे भगवत गीता पर हाथ रखवा लो, फिर भी ये झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलता। अब इसके बारे में अगर हम ज्यादा बताएंगे तो रामायण और महाभारत हो जाएगा। टाइम नहीं है, जल्दी आगे बढ़ते हैं। उसे बेटा कहते हुए शर्म आती है। 32 साल का घोड़ा हो गया है, अभी भी जो बाप की पेंशन मिल रही है उसी से पाल रही हूँ। शादी करवा दो, लाइन पर आ जाएगा। हाँ, आज लड़की देख नहीं गया है। ये दाढ़ी किस लिए? कोई मन्नत है? नहीं नहीं, मन्नत क्यों मांगूंगा, ऐसे ही अच्छा लगता है, स्मार्ट दिखता है। What do you do for a living? अरे बाप रे, ये क्यों पूछ लिया? समझ में नहीं आया। ओके, आप अपना खर्चा चलाने के लिए क्या करते हैं, कुछ काम भी करते हैं? प्रिसाइजली आप एक महीने में कितना कमा लेते हैं? वो क्या है ना, मेरे पापा की पेंशन का 16,000 रुपए आता है, और उनके जाने के बाद 4,00,000 रुपए मिले थे। उसका ब्याज करीब 12,000 रुपए है, तो 16 + 12 मिला लो तो बनते हैं 28,000। एकदम करेक्ट। मैडम बिल। सर दिन रात मेहनत करके पैसा कमाते हैं, भर देंगे। तंग आ गई हूँ मैं तो, कौन शादी करेगा इस लड़के से? देर से उठता है, फिर पता नहीं कहाँ चला जाता है, और आधी रात को घर वापस आता है, और कभी कभी तो पूरा महीना ही घर से गायब रहता है। इसीलिए आज मैंने इसे रूम में बंद कर दिया है। घर के बाहर पैर रख के तो दिखाए, अच्छा सबक सिखाया मैंने। ये क्या कर रहा है? अच्छी
आज फिर से मैं सारे पैसे हार गया। होता है, मैं और सत्या दोनों एक साथ पढ़े, उसके साथ पढ़ने का मतलब है एटम बॉम्ब, ऐसा बॉम्ब जो आपका भविष्य उड़ा देगा। मेरा भी भविष्य उड़ा दिया, यकीन नहीं आता ना तो खुद देख लो। तो इससे ज्यादा तो मुझे आता है। वेनिला, आंसर शीट देना। वेनिला, नेक्स्ट वाली दे। वेनिला, आखिरी शीट दे। अबे दे। फाइव मोर मिनट्स। सत्या पेपर देना, सत्या पेपर दे जल्दी। देखा ना आपने, ऐसे धोखेबाज से बचने के लिए मुझे सात समंदर पर यूएस जाना पड़ेगा। मतलब अब जाऊंगा। इन द नेम ऑफ द होली फादर एंड ऑफ द सन, उसी का फोन है। फेसबुक पे शादी की खबर सुन के फोन किया होगा। मुझे बिना बताए शादी कर रहा है? अरे मुझे भी नहीं पता, मुझे भी बताया गया। एक घंटे पहले तो मिली है ये। बस एक घंटे पहले? अच्छा लड़की का नाम क्या है? बेबी व्हाट्स योर नेम? शाओ। आई एम वेनिला। बिना नाम जाने शादी कर रहा है तू? अरे लास वेगास में ये सब कॉमन है यार, पता है ना यहाँ इस तरह की बहुत शादियाँ होती है। और ये लड़की बहुत पैसे वाली है, वेरी रिच। और यहाँ की लड़कियाँ इंडियंस पे मरती हैं। देख एक सलाह देता हूँ, तू भी इधर आ जा। उसे इनविटेशन तो दे दिया मैंने, पर फिलहाल मुझे ही नहीं पता कि मैं कहाँ पर हूँ। पर जहाँ भी हूँ बस बहुत ही अच्छे मूड में हूँ। अभी मैं वेगास जाऊंगा। ए चल अब नीचे उतर, मालिक आएगा तो चिल्लाएगा, कल इस घोड़ी की बुकिंग है समझा? बेटा वेगास अमेरिका में है, कोई सस्ता सा ट्रैवल एजेंट जल्दी ढूंढ ले। अमेरिका? इसी घोड़े पर वेगास जाऊंगा। और वेगास जाकर कौन सा तीर मारेगा तू? हाँ शादी कर लूंगा माँ। तू चिल्लाती रहती है ना कि मैं शादी नहीं कर रहा हूँ, वही कर लूंगा। हट। अरे माँ सुन तो सही। पालक ले लो, हरा भरा पालक ले लो। इससे मिल, मेरा बेटा सत्यम शादी करने के लिए अमेरिका तक जाने के लिए तैयार है। लगता है शहर में लड़कियाँ कम हो गई हैं। एक बार मेरा बेटा हाँ तो कर दे, कोई भी इससे शादी कर लेगी। तू क्या कहती है बेटा? कभी नहीं, पागल कुत्ते ने काटा है क्या? पालक ले लो, पालक 10 के 5, 10 के 5 पालक ले लो। अरे माँ सुन तो सही। माँ 32 साल का घोड़ा नहीं गधा है तू, अमेरिका जाकर शादी करेगा? यहाँ तो पैसे बर्बाद करता ही है, वहाँ जाकर भी बाप की पेंशन उड़ाएगा क्या? उड़ाऊंगा कहाँ माँ, इन्वेस्टमेंट। एक अच्छी लड़की मिल गई ना, फिर डॉलर ही डॉलर मिलेंगे। सिर्फ 2 लाख रुपए दे दे, काम बन गया ना, तो तू भी हमारे साथ वहाँ रह सकती है। अरे अरे ये सब नकली गहने हैं। मुझे नहीं पता था कि तू इतना नालायक बेटा है कि तू अपनी माँ के गहने तक नहीं छोड़ेगा। और अगर ये असली होते तो बेच देता ना। अब से 1 पैसा नहीं दूंगी तुझे, जा कहीं जाके मर जा। पूरे 6,40,000। ना आपकी ना मेरी, चलिए 3 लाख। चलो हटा कंजूस। अरे 4 लाख ले लीजिए ना शर्मा जी प्लीज। अरे जा जा। चलिए 4,10 में मान जाइए ना शर्मा जी। चलिए 4,20 प्लीज। मौ डालूंगा, मुझे परेशान करना बंद कर प्लीज। लेकिन 1500 कम है। आपके आगे पीछे घूमने का खर्च पूरे 1500 रुपए। मुझे तो ऐसा लगता है ये शादी होकर रहेगी प्रभु। मुझे नहीं लगता नारद जी। कल सुबह ही शादी है, रुकेगी कैसे? 3 महीने से बेचारे किसान आसमान की ओर ही देख रहे हैं कि कब बारिश होगी और कब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और कब उनकी प्रतीक्षा समाप्त होगी बारिश की। शादी तो मंडप में होनी है ना प्रभु, बारिश होने से क्या प्रॉब्लम होगी? जब बारिश होती है तो बिजली भी कड़कती है, जब बिजली कड़कती है तो इधर उधर गिरती है। शायद आज इधर ही वो गिर जाए। मूर्ति भैया, मूर्ति भैया, मूर्ति भैया, एक बहुत बुरी बात मालूम चली उस लड़के के बारे में। उसका अफेयर चल रहा है और वो ये शादी तोड़कर उस लड़की के साथ कहीं भाग गया है। नारायण।
चैत्रा I'm okay. शर्मा जी मेरी शादी टूट गई। अरे ऐसे कैसे टूट गई? कहो तो कोई नया लड़का देखूं। अरे मैंने उसलिए फोन नहीं किया है, अब हनीमून नहीं जा सकती, तो मैंने जो आपको 4,18,500 दिए थे वो रिटर्न कर दीजिए, ब्याज भी दे देंगे तो अच्छा रहेगा। तुम्हारी इस ट्रिप से मुझे कितना लॉस हुआ है पता है? ट्रिप कैंसिल नहीं हो सकती, जाना हो तो जाओ वरना भाड़ में जाओ, एक पैसा वापस नहीं मिलेगा। ये शादी तो कैंसिल कर दी प्रभु, अब चैत्रा और सत्यम को मिलाओगे कैसे? कल रात को ही मैंने ये प्रोग्राम मुंबई में सेट कर दिया था। सॉरी गाइस, इतनी रात को मीटिंग रखने की वजह है। मास्टर ऑफ डिसगाइज, 20 साल गुजर गए वो आंखों के सामने घूम रहा है, भूल नहीं सकता मैं उसे। पिछले 20 सालों से मैं सो नहीं पाया हूं। भूल जाओ सर, भूल जाओ, नहीं तो 20 साल और गए। मिस्टर सिंह, सही कहा आपने। उस रात मैं टीवी पर फिल्म देख रहा था, काफी रात हो चुकी थी, तभी हमारे एजेंट विक्रम का फोन आया। उस रात वो मेरे सामने था, बट नो यूज, भाग निकला वो वहां से। 85 से लेकर कम से कम 10 ब्लास्ट में उसका हाथ है, मुझे दूसरा मौका चाहिए उसे पकड़ने का। हमारी इंटेलिजेंस से बहुत टाइम बाद एक क्लू मिला है, वो भी 20 सालों बाद। क्लू लाइक व्हाट? आई विल एक्सप्लेन। नॉर्मल लोगों को लड़की, पैसा, पावर, इन चीजों का पागलपन होता है, बट ही इज अ क्रेजी मैन। उसकी ऑब्सेशन है एक सूट। सूट? यस सूट। इट साउंड्स वियर्ड बट यू हैव टू बिलीव मी, सचिन को जितना क्रिकेट पसंद है, हमारे इस विलन को अपना सूट उससे भी कहीं ज्यादा पसंद है। उसका सूट जिस फैब्रिक से बना है वो फैब्रिक डेनमार्क से इंडिया आता है। इंडिया में कहां पर? हैदराबाद ओल्ड सिटी में, नूर फतेह नाम है, एक छोटा सा टेलर है, एस्टैब्लिश्ड इन 1923, निजाम और उनके खानदान का पहला टेलर, और आज तक वही उनका टेलर है। 2 दिन पहले फैब्रिक डेनमार्क से हैदराबाद आ चुका है, बस 1 हफ्ता लगेगा स्टिचिंग में। So we don't have much time. अगर हम उस कोड को फॉलो करेंगे, then definitely we can catch him. ये क्लू बहुत रिसर्च बाद मिला है और मुझे इस पर पूरा भरोसा है। सर हमें उस टेलर को कस्टडी में ले लेना चाहिए। No, हमारे विलन को जरा भी शक हुआ तो मिशन फेल होने के चांसेस हैं। 1-2 नहीं 20 साल गुजर गए, अब ये मौका मैं नहीं छोड़ने वाला। इस बार मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, ये कोई नॉर्मल सूट नहीं है। पहले हमें इस सूट का पता लगाना है और फिर उसे फॉलो करना है। फॉर दैट वी हैव टू रन अ मिशन। व्हाट मिशन? शोले, लेट्स स्टार्ट द शो। खेलो भैया खेलो, अपनी किस्मत देखो। भैया नूर फतेह टेलर शॉप कहाँ है पता है आपको? बॉस आगे से राइट लेना। आप जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं, भला आदमी है। सर हम पोजीशन नंबर 1 पर हैं। फॉलो हिम। सर पोजीशन 2 पे पहुंच गए। कीप फॉलोइंग। खेलो भैया खेलो, अपनी किस्मत देखो, जल्दी जल्दी, पवन कल्याण आपका लक बदल देगा, पवन कल्याण आपका लक बदल देगा। बाप रे कितनी बदबू है। सर पोजीशन नंबर 3 सर। जस्ट वेट। सर उसके हाथ में एक ब्रीफ केस है। हेलो सर, आई एम सिटी भरावच, 3x2, दिस इज माय आई कार्ड, तकरीबन 12 lbs। व्हाट नेक्स्ट सर? बैग उठा लो। आर यू श्योर सर? इमीडिएटली बैग को उठा लो। चलो भैया लगाओ लगाओ लगाओ, जल्दी 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 लगाओ 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 लगाओ, जल्दी लगाओ जल्दी लगाओ, फटाफट 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 फटाफट। भैया ये अपने पास आ गया। अरे जल्दी करो जल्दी करो, 1 मिनट रुको, टाइम नहीं है, एक के बाद एक आ जाओ। कौन सा नंबर? चार चार। नहीं 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 ये नहीं, हो गया हो गया हो गया। ए बॉस, लगता है आपके पैसे गिर गए। ओए मैं भी ओल्ड सिटी से हूँ, मैं पैसे उठाने के लिए झुकूंगा और तू ये बैग लेके भागेगा, सब पता है मुझे, बेवकूफ समझा है। अरे तुम फिर से? अरे नहीं नहीं नहीं,
हाँ आपका। वो पैसे नीचे डालकर बैग मारना चाहता है। बैग खोए बिना मुझे पैसे चाहिए। क्या हुआ, नहीं समझे? मैं समझाता हूँ, जरा ये बैग पकड़ना। अरे ए, ए, अरे चोर चोर, अच्छा आदमी था, अब नहीं रहा। आई नीड बैकअप, मुर्गी चौक सर, सूटकेस चोरी हो गया सर। सुपर्ब सुपर्ब, बट सर सुपर्ब सूटकेस हमने नहीं चुराया। इडियट्स, अगर ये सूट नहीं मिला तो हम जिंदगी में उसे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। कैच हिम और किल हिम। आई वांट दैट बैक एट एनी कॉस्ट। सर वी गॉट इट सर। चोर मिल गया सर, पर सरप्राइजिंगली ही स्माइलिंग। इस सूटकेस के पीछे इतने सारे लोग भाग रहे हैं, इसमें कम से कम एक खोखा तो होगा ही। इस समय वेगस तो क्या, पूरी दुनिया की सैर कर सकता हूं। चल। ए, तूने मुझे मारा नहीं। ए भाई तू चोर है ना, तू चोर है ना, जाना। सही बोल भाई, तू चोर है ना, तुझे बुलाना चाहिए। मालूम है तू चोर है। दूंगा भाई 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 भाई, बोलो ना। मां कसम, ये तो बहुत खतरनाक चोर है। इतनी पुलिस तो कभी मेरे लिए भी यहाँ नहीं आई। चुपचाप यहाँ से निकल लो, इसी में भलाई है। सूटकेस में क्या है बता, सूटकेस में क्या है? सर मुझे कुछ पता नहीं। ओपन ओपन फास्ट। ओके सर। कोर्ट है सर, पहले ही बहुत देर हो गई सर, जाना है, नौकरी चली जाएगी सर। रसीद दिखा इसकी। ओके सर, यह है सर, देख लीजिए। लास वेगस, चल निकल। पुलिस में भी अच्छे लोग होते हैं, ये कुछ नया है और तो बुरा है। सर इसका क्या करें? छोड़ दो इसे, चल जा। ए, हाँ सर। यहाँ जो भी देखा किसी को मत बताना। हाँ, खर्चा होगा सर। सूट देख लिया, परफेक्ट। वैसे मिशन कौन लीड कर रहा है? आदि। ए, यू डोंट हैव मैनर्स। What? नौकर करके आना है पता नहीं क्या? अगर ना बोलूंगा तो नौकरी से निकाल देंगे क्या? भारद्वाज, I'm leaving. You guys handle it. All right, okay, we can handle this. आदि, next week Vegas जाना है तुम्हें। Give me a minute. Yes sir. Hello. चैत्रा जी, एक बार टिकट बुक कर ली तो कैंसल नहीं होती। या तो पैसे भूल जाओ या तो हनीमून पे चले जाओ। किसके साथ जाऊं शर्मा जी, हनीमून पर किसके साथ जाऊं बताइए? समझ में नहीं आता क्या आपको? मेरी शादी कैंसिल हो गई है, हनीमून के लिए नया पति पैदा करूं? ढूंढूंगा, जरूर ढूंढूंगा। मेरी होने वाली बीवी वेगस में है और जितना पैसा चाहिए था मेरे हाथ में है। ट्रैवल शर्मा का फोन है। हेलो, मेरे दोस्त का वीजा इंटरव्यू है। एक गर्ल वीजा इंटरव्यू है तेरा। हेलो चैत्रा जी, अगर आप हाँ बोलो तो आपका पैसा भी वापस आ जाएगा और अमेरिका घूमने का सपना भी पूरा हो जाएगा। अरे वाह, बताइए ना बताइए ना। साइलेंस, सॉरी। वेगस जाने के लिए आपके लिए एक अच्छा पार्टनर ढूंढा है मैंने। बस हनीमून शो करना पड़ेगा शर्मा जी। अरे नहीं नहीं, सिर्फ वीजा के लिए। और उसमें से क्या होगा कि 50% अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, अच्छे से सोच कर बताइए।
ये ट्रैवल एजेंट कम और ब्रोकर ज्यादा लग रहा है। सुन रहा हूँ आपकी बात, आप जैसे कस्टमर मिलेंगे तो ब्रोकर ही बनना पड़ेगा हमें। तो क्या सोचा आपने? हाँ की ना, हाँ की ना। ए, चैत्रा। बेचारी चैत्रा की परिस्थिति देखकर भगवान पर गुस्सा आ रहा है। हम भी क्या कर सकते हैं देखने के अलावा, आखिर हम भी तो इंसानी हैं। चलिए देखते हैं चैत्रा क्या करती है। क्या यार, कब से बुला रही हूँ, सुनाई नहीं देता। क्या सोचा, हाँ या ना? Vegas, what? हाँ माँ, अभी एयरपोर्ट पहुंची हूँ। माँ आप घबराओ मत। Hold on a minute. लगता है पागल है। Are you all right? अगर आपने कुछ देर इसी तरह पकड़ कर रखा तो मुझे डर है कि शायद मैं जिंदा ना रहूं। अजीब सी हरकतें कर रहा था, मेरे साथ फ्लर्ट भी कर रहा था। क्या पता चैत्रा वही तेरा पार्टनर हो। शुभ शुभ बोल प्लीज प्लीज। अरे रे रे रे। अरे काली जबान, अगर कुछ कहना ही था तो ऐसा कह देती कि वेगस में जाकर मेरी लॉटरी निकल आए। व्हाट? ओ वही है। जरा उसे बच के रहना, अपने बारे में उसे कुछ मत बताना नहीं तो बाद में फंस जाएगी। पता है ना परसों दिल्ली में क्या हुआ? मुझे हैदराबाद का कुछ नहीं पता होता, दिल्ली का क्या पता होगा? क्या हुआ था बता? छोड़ छोड़, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, लाई अबाउट योर सेल्फ, उससे सिर्फ झूठ बोलना। ओके? व्हाट? आपको एक बात पता है, वो क्या है? मुझे आपकी कोई बात जानने का कोई शौक नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अनजान हैं। ये जर्नी सिर्फ एक झूठ है। आई मीन वी आर नॉट मैरिड बट वी आर ट्रैवलिंग टुगेदर, सो लेट्स लाई टू ईच अदर। यही तुम्हारे लिए ठीक होगा, समझ में आया? ओके, आई विल स्टार्ट द गेम। आई एम उमराव जान। अच्छा, तो मैं हूँ शोले। Excuse me, what you want? मैम सुनिए, दो लार्ज वोडका, फ्री है ना? दरअसल मैं वेगस शादी करने के लिए जा रहा हूँ, वहाँ लड़की ढूंढूंगा। और तुम? तुम्हें क्या करना है? अपना काम करो। तुम पियोगी? मैं पीती नहीं हूँ। ओके। मुझे ऐसी लड़कियां बहुत पसंद है जो पीती नहीं है। ए, हंस क्यों रहे हो तुम? तुम्हें पीने वाली लड़कियां पसंद नहीं है ना? मैंने झूठ बोला? हाँ? तुम्हें ना तो कहा था ना झूठ बोलना है, गेम खेलेंगे, फलाना ढिमका, भूल गई क्या? ओ गॉड। शोले के बारे में कैसे जानता है तू? उसके बारे में कैसे पता तुझे? क्या सर, आप शोले भी नहीं जानते? मैं बहुत बार देख चुका हूँ, मेरी फेवरेट पिक्चर है। अरे ओ सांबा, कितने आदमी थे। सॉरी। अमेरिका 326 मिलियन पॉपुलेशन, उसमें से 3.3 इंडियंस, 50 स्टेट्स, उनमें ये बंदा कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा?
आज हम इंटरव्यू लेने वाले हैं फेमस इंडियन क्लासिक रोप ट्रिक मैजिशियन पद्मनाभम का, हु इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट मेमिक्री आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड। इंडिया के सबसे बड़े मैजिशियन एंड मिमिक्री किंग, पर दुख की बात यह है कि वो बहुत जल्द ही रिटायर होने वाले हैं। हेलो सर, इंटरव्यू के लिए आपने टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुना है आप बहुत जल्द रिटायरमेंट लेने वाले हैं। द ग्रेट इंडियन क्लासिक रोप ट्रिक एक्ट का क्या अंत नजदीक आने वाला है या आने वाली पीढ़ी को वो सीक्रेट आप बताने वाले हैं? नो, आई एम वेरी पॉजिटिव। मैं अपनी हर चीज के लिए थोड़ा पॉजिटिव हूँ। माय नेक्स्ट शो इंडियन क्लासिक रोप ट्रिक, लास्ट शो। Why, sir? Because I'm a bad man. Are you joking, sir? Seriously, I'm not joking. Suit, painting, दोनों डॉक्टर के पास पहुंचने वाले हैं। Good. Have a nice day, sir. Love you, baby. Love you, baby. बाप रे बाप रे बाप, इसकी तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है। नहीं नहीं, शादियां हो चुकी है। हाय। ओए। सब लोग बस यही सोचते हैं, बेचारे बेचारे। इतनी दया क्यों दिखा रहे हो इन पर? आखिर ये लोग गए कहाँ? जब नशा उतर गया उसके बाद शादी तोड़ने के लिए 3 करोड़ भरे। सुबह सुबह क्यों मजाक कर रहे हो भाई? इस चालू आइटम से बचने के लिए 3 करोड़? या तो तेरे अकाउंट में 3 करोड़ होने चाहिए या फिर ऑलरेडी शादीशुदा। ओ भाई, अकाउंट में 3 करोड़ होते तो इंडिया छोड़कर यहाँ क्यों आता? तो फिर पहले से शादीशुदा होना चाहिए। तो क्या होता? अमेरिका के कोर्ट में तू कहता कि सब कुछ नशे में हुआ तो 5 लाख फाइन भरता और कोर्ट तुझे छोड़ देता। हेलो, अरे मैं वेगस में हूँ, तू कहाँ है? नशे में इनविटेशन दिया तो चला आया। कैसे बोल रहा है? इसकी एंट्री हुई तो कुछ ना कुछ काम जरूर होना है। कहाँ रह रहा है? नहीं सुनूंगा मैं कुछ भी। ओ तेरी, अरे भाई तू मेरी बात सुन क्यों नहीं रहा? किस किसने किसके से शादी की समझ नहीं आ रहा। हेलो गाइस, मेरी शादी हो चुकी है। आई एम ऑलरेडी मैरिड। अगर उसके भाई को पता चल गया ना तो मेरी तरह वो तुझे भी घर में नौकर बनाकर रखेंगे। मतलब वो मास्क वाला दूल्हा तुम हो? हाँ बिल्कुल। Prove it. हाथ में गन है तो जो मन में आएगा वो करेगा क्या? I will prove it. Hi. A lighter. Sure. Where are you from? India. I love India. Oh, I love America. Nice. I'm Satya. You? Amber. I love bumper. Amber. Hi, beautiful. Hi. Huh? Yeah. Honeymoon. अरे रे रे रे। उमराव जान जी, अगर गलती से आपकी शादी हो भी जाती और आप पति के साथ यहाँ आती तो आपसे बोर होकर वो कब तक जिंदा रह पाता? कभी सोचा है आपने? ये सब तुम्हें कैसे पता? तुम्ही ने बताया फ्लाइट में शराब पीकर। हाँ। क्या हुआ? पति के साथ आना चाहिए था लेकिन एक अजनबी के साथ आ गई हो, यही सोच रही हो ना? मेरे दिमाग में तुम्हारा कोई ओपिनियन नहीं है। ओपिनियन नहीं है मतलब? ओपिनियन नहीं है मतलब तुम्हें पता है तुम कैसी हो? ज्यादा से ज्यादा एवरेज। What do you mean by that? तुम्हें पसंद आऊं या ना आऊं? I don't care. तुम्हें जो सोचना है सोच सकते हो। तुम्हें कहा था ना झूठ बोलना है, वो गेम उमराव शोले भूल गई क्या? मतलब तुम जो बोल रहे हो वो झूठ है? मैं भी शादी की वजह से नहीं रो रही हूँ, मेरा लगेज बदल गया है। इतने छोटे कपड़े तो मैंने अपनी लाइफ में नहीं पहने हैं और नए खरीदने के लिए बहुत पैसे चाहिए। और ये सच है। सही कहा, इस ड्रेस में तुम बहुत बुरी लगोगे।
पर मैं झूठ बोल रहा हूँ। ए, मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ ना। बिल्कुल नहीं जगह है ना, अकेले में डर लगता है मुझे। ओके। हाय आदि, वेगस कैसा है और कैसा होगा? चमक रहा है? और अपने ससुर यानी हमारे विलन की कोई जानकारी मिली? उसी काम में लगा हूं। जस्ट रीच्ड, कैमरा ऑन करो। नाउ यू कैन सी मी। यस, आई कैन सी यू। I am actually suit. सूट के लिए आए हो, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। काम चल रहा है। Give me your contact number. आपने ये भाषा कब सीखी सर? ये भी सूट के लिए आए हैं, तुम भी सूट के लिए आए हो, but you don't know each other or what? जाओ यहाँ से। आदि, वो लोग भी वहाँ सूट के लिए आए हैं। उन्हें तुम पर शक हुआ होगा। आदि, अगर तुमने उन्हें मिस कर दिया तो हमारा मिशन बेकार हो जाएगा। कैच देम और किल देम। गो गो गो, गेट देम, डोंट लूज देम। आदि, उसे छोड़ना मत। कैच हिम आदि। आई कांट आदि, कैन यू हियर मी? हेलो। जॉब इज डन सर, मिशन सेफ है। हमने जिन दो लोगों को सूट लेने के लिए भेजा था, उनकी डेड बॉडीज रोड पर मिली हैं। किसने किया? इसका तो पता नहीं। मॉर्निंग सर। लेकिन वो एक इंडियन सिटीजन था। इंडियन? आई थिंक ही इज फ्रॉम सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफ इंडिया। सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफ इंडिया। इंडिया छोड़े हमें बहुत साल हो गए हैं। कोई अफसर याद है जिसको हम पहले खरीद चुके हैं? श्री हरि, पर पता नहीं अब कहाँ है और वो फिर से बिकेगा क्या? विश्वनाथ जी, कहते हैं जिंदगी की 99% प्रॉब्लम्स पैसे से सॉल्व हो जाती हैं, और थोड़ी कोशिश करो तो 100 में से 100 हो जाएं। दैट इज द पावर ऑफ मनी। गेट इन टच विद श्रीहरि। सर, एक सूट के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? उसे छोड़ दीजिए ना, मेरे ख्याल से यही ठीक रहेगा। विश्वनाथ जी, पिछले साल मैं वेगस गया था, वहां एक आदमी से मिला, नाम याद नहीं लेकिन अ वेरी इंटरेस्टिंग गाय। कैसीनो में खेलने के लिए इंडिया से वेगस आया था। अनफॉर्चुनेटली उसी कैसीनो में अपना सारा पैसा गंवा बैठा। इंडिया वापस जाने तक के पैसे नहीं बचे। एक महीने तक जो भी उसे दिखा उसके पैर पकड़कर भीख मांगता रहो, बट नो यूज। जानते हैं एक दिन उसने क्या किया? पैर पकड़ने के बजाय गला पकड़ लिया उसने एक आदमी का। एंड डू यू नो व्हाट हैपेंड? उस दिन उसका दूसरा जन्म हुआ। उस दिन उसे पता चला कि अपना काम निकालने के लिए बॉडी के नीचे नहीं ऊपर पकड़ना चाहिए। बीस साल से तुम मेरे साथ हो, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि जीने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी एडवाइस, रिड्यूस योर वेट। अजय को फोन लगाओ, तुरंत मीटिंग अरेंज करो। क्या चाहिए?
मैं तुम्हारा नसीब बदलने वाला भगवान हूं। $15 million मतलब लगभग 100 करोड़ रुपए। देखे हैं कभी? हाँ? देखना चाहोगे क्या? मुझे करना क्या होगा? नथिंग न्यू एट ऑल। तुम्हें एक आदमी को मारना है। डिटेल्स के लिए तुम्हें जल्द ही फोन किया जाएगा। क्या बात है? प्लीज प्लीज प्लीज। गुड लक। नो 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 नो। यू हैव ऑलवेज चीटेड ऑन मी। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। यू आर डूइंग दिस अगेन एंड अगेन। एंड आई एम सीरियसली टेलिंग यू, इफ यू आर गोइंग टू डू दिस अगेन, आई विल कॉल द कॉप्स। आई डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग फ्रॉम यू। डोंट कॉल मी अगेन, ओके? व्हाई आर यू स्टेयरिंग लाइक दैट? माय नेम, आई एम सत्या। एंड यू? अमांडा। अमांडा वेड सत्यम। Oh my God! Oh my God! Amu, darling. Huh? अबे यहाँ तो एक भी इंडियन लड़की नजर नहीं आ रही है। अब इस गधे को कैसे समझाऊँ? मन करा इसके गंजे पे तबला बजा दूँ। इंडियन गर्ल, माय वाइफ, मेरी बीवी। अम्मू डार्लिंग, कहाँ चली गई? अरे बाप रे, ये यहाँ कैसे आ गया? सत्या, कैसा मेरे भाई वेगस का भाई? तूने एक फोन तक नहीं किया, कहाँ ढेरा तू? जब मैंने परसों फोन किया था तब ये पूछना भूल गया था तू? यार तब मैं बहुत तगड़े नशे में था। तू भी यहाँ गोरी मेम से शादी करने आया है क्या? अपना फोन चालू रख, फिलहाल मैं एक लड़की ढूंढ रहा हूँ। कहाँ गई, कहाँ गई? शादी कर। फ्रेंड्स हैं। इंडिया में फ्रेंडशिप ऐसी होती है। हम लोग बहुत एडवांस हो चुके हैं। हाँ हाँ, कॉलेज में आंसर शीट, यहाँ लड़की उड़ा गया। अरे ये क्या चाहता है अब? ये पिटेगा। फोन क्यों नहीं उठा बे? ये ले, उठा लिया। अब क्या करना बोलना? कल रात हमारे बीच कुछ हुआ था क्या? कल रात जो करना था वो कर लिया, फोन उठाने की बात कर रहा है। कल रात हमारे बीच कुछ हुआ था? रात को, कल रात को मैंने तो कुछ नहीं किया। हा? कुछ नहीं किया मतलब सब कुछ कर लिया? मैंने तो पी हुई थी। How can you take advantage? उस गंजे के सामने तुमने कौन सी कसर छोड़ी थी जो आप बोलता है कि कुछ नहीं किया? हेलो, एटलीस्ट प्रोटेक्शन तो यूज किया था ना? मैं तो करना चाहता था, तूने कहा कोई जरूरत नहीं है तो मैंने नहीं किया। हे भगवान, कहाँ आकर फंस गई मैं? जल्दी से यहाँ से निकल जा चैत्रा, लगता है वो आ गया। Hello, ma'am. I'm Joseph, casino manager. Can I borrow your time, please? Congratulations, Mrs. Shirley, for winning the jackpot. I would like to present you this check for $2 million. Jackpot? Maine? Yes, yes! Woo! Mr. and Mrs. Shirley? Oh no! इन पैसों के लिए अब मुझे उससे शादी करनी होगी।
I have sent you the mail. Just check and confirm. आपको पकड़ने के लिए उन्होंने एक मिशन लॉन्च किया है और उसे लीड कर रहा है आदि। मैंने कहा था ना, पैसे से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। क्यों बना रहे हो सैड फेस? पता चल गया ना इस मिशन को लीड कौन कर रहा है? उसे मार देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। विश्वनाथ जी, लगता है पूरी तरह कन्विंस नहीं हुए। इस सूट की वजह से मैं शायद पकड़ा जाऊंगा, लेकिन फिर भी इसके पीछे पड़ा हूँ, यही सोच रहे हैं ना आप? आप थोड़ा सब्र रखिए, डिटेल्स मत मांगिए। ट्रस्ट मी, इट्स वर्थ वेटिंग। आई वॉन्ट दिस गाय टू बी। You have to kill him. 5 grand. Hello. Hi. कैसी है तू? बढ़िया ही टैरो रीडर। वो तो मेरी तरफ देखता भी नहीं। Man, don't kill me. You have killed my brother. Who ordered you to kill me? He has given me 5 guns to kill you. I don't know him. Who ordered you to kill me? Sir, mission ke baare mein mujhe malum chal gaya hai. They got the leak. Sir, unhone mujhe maarne ke liye aadmi bheje the. Adi, don't panic, relax. I don't want to die, sir. Wo mujhe maar denge, sir. Main kuch karta hu, daro mat, main kuch karta hu. Guys, we have a big problem. The mission is compromised. उनको हमारे मिशन के बारे में पता चल गया है। कैसे पता चल गया है सर? इस मिशन को टर्मिनेट करने के सिवाय हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। वो किस लिए? क्या जरूरत है? Actually, आदि इस मिशन का शोमैन है ही नहीं। मरेगा तो आदि मरेगा। Who cares? आदि की मौत से असली शोमैन का राज भी दब जाएगा, और वो हमारे लिए अच्छी बात है। क्यों? नौकरी ज्वाइन करते समय कसम खाई थी ना, देश के लिए जान दे देंगे। सो कांट ही डाई फॉर हिज कंट्री? सॉरी आदि, सबके सामने मुझे झूठ बोलना पड़ा, पर किसी भी हाल में मैं तुम्हें नहीं खो सकता। आई रियली केयर फॉर यू। श्री हरि का फोन आया था। असली शोमैन आदि नहीं, कोई और है। सूट को डायरेक्ट कलेक्ट करना खतरनाक है। इट हैज टू बी स्टोलन। अजय काम आएगा ना? ओके, कल तक सूट जॉर्डन पहुंच जाना चाहिए। दिस इज द एड्रेस। इट्स टाइम टू किल द शोमैन। लेकिन मैं क्यों मरूं? I don't want to die. Hello, Adi. Who is this? अपने लेफ्ट में देख। पता है बुलेट क्यों मिस हुई? क्योंकि मैं तुम्हें जीने का आखिरी मौका देना चाहता हूं। हमें मिशन के बारे में पता है। शोमैन कौन है? शोमी, जल्दी बताओ आदि, हमारे पास टाइम नहीं है। इनमें से किसी इंडियन को पकड़ लेता हूं। सोच रहा हूं इससे शादी कर लूं, क्या कहता है? अरे वाह, बहुत लकी है यार तू। किसको पकड़ूं? अबे किससे बात कर रहा है तू? सुन ना शोमैन, ये शोमैन, शोले। सर, ये शोले क्या है? शोमैन, शोले। मैं सत्य हूँ सर, उसे फ्लाइट में मिले थे ना हम।
ओके ओके ओके। विश्वनाथ जी आज ही मर जाना चाहिए और सूट भी जॉर्डन पहुंचना चाहिए। Time to kill the showman. अरे यार सर, प्लीज सर, सर आप आपसे कोई गलती हुई है सर। Showman. सर, सर प्लीज मत मारिए। Ajay wants you to be alive. 10 more minutes. Hold your breath, brother. सीक्रेट मिशन सीक्रेट रहना चाहिए, इस तरह से सबको पता नहीं चलना चाहिए। शोमैन, डोंट वरी, तेरी मौत का पता किसी को नहीं चलेगा। रेस्ट इन पीस। सर, सर प्लीज सर, मेरी बात तो सुनिए, मुझे कुछ नहीं पता सर। मिशन सीक्रेट तब तक था जब तक मैंने खुद लीक नहीं किया, वरना इतने बड़े शहर में तुझ जैसे कीड़े को कैसे ढूंढ पाता। ये तेरा नहीं मेरा केस है। ये गेम मैंने तुझे खिलवाया, तेरा फैसला मैं ही करूंगा। किसी ने सूट चोरी कर लिया है और उस डॉक्टर को मार डाला। उसी से बात कर रहा हूं, टीटी वायल। जो पागल पड़ा है वो कौन है और कहां मिलेगा? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता।
फोन उठाओ, फोन उठाओ, हाँ फोन उठाओ, जिसका फोन है उसे पता होगा। अजय सूट जॉर्डन पहुंचा दिया क्या? पहुंचा दूंगा, पहले अजय को सही जगह पहुंचाऊं। कौन बात कर रहा है? हेलो हेलो, पहुंचा दिया। कौन है तू? सत्या उर्फ शोमैन। बोल, बोल, तेरी तो नूर फते टेलर शॉप, नूर फते टेलर शॉप, थर्ड स्ट्रीट चूड़ी बाजार। वेल डन सत्या। वेगस। सत्या इमरजेंसी। सत्या सेंट्रल इंटेलिजेंस। आदि सेम इंटेलिजेंस। रिकॉर्ड द लीक। लिसन, आई विल डू समथिंग, ओके? सत्या, उन्हें प्लान का पता चल गया है, अब हमें प्लान टू एक्टिवेट करना पड़ेगा। स्टार्ट द शो। आदि असली शोमैन नहीं है। एक्चुअली मैंने सोचा था तू खुद आएगा, पर बच गया। तुझे सूट के पीछे पड़ा है, वो फिलहाल मेरे पास है। आज तक मैं तुझे ढूंढ रहा था, लेकिन आज के बाद तू मुझे ढूंढेगा। हर युद्ध सैनिकों के बल पर नहीं जीता जा सकता। पांच पांडवों ने जो जीत हासिल की थी, कृष्ण जी के बिना संभव थी। झूठ के बिना कोई भी कुरुक्षेत्र नहीं जीता जा सकता। अश्वत्थामा हतः नरो वा कुंजरो वा। शो टाइम। हेलो सत्या, मुझे तो तुमने यहाँ जॉर्डन भेज दिया और खुद वेगस में पार्टी कर रहे हो। मेरी किस्मत में कहाँ पार्टी लिखी है, खर्चे के लिए पैसे तक नहीं है। थोड़े पैसे भिजवाइए, एक लड़की पटाकर शादी करनी है। आप समझते नहीं है सर, माँ ने दिमाग खराब कर रखा है। कम ऑन सत्या, शादी वादी ये सब हमारे हाथ में कहाँ है। मैरिजेस आर मेड इन हेवन, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। तेरी शादी इंद्रदेव देख लेंगे, तू बस ससुर यानी विलन के बारे में सोच। एंड वन मोर थिंग, इमीडिएटली वेगस छोड़ने की तैयारी कर। एफबीआई को पता चल गया है कि कल जो मर्डर्स हुए वो एक इंडियन ने किए हैं। आई मीन, अपना ख्याल रखना। ओके, यू गॉट इट, बाय बाय। जेब में एक रुपया नहीं है और वेगस छोड़ने की बात कर रहा है। अब तो किसी का पर्स ही मारना पड़ेगा। तू यहाँ क्या कर रहा है? हैं? अरे सुन, एफबीआई को पता है मर्डर्स इंडियन ने किए हैं, तूने बताया क्या? मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया भाई। तुझ पर उनकी नजर है, जरा होशियार रहना। होशियार रहना? मैंने क्या किया है जो होशियार रहूं? मुझे तो कुछ पता भी नहीं है, ये कहाँ गायब हो गया? मैं प्रोफेशनल हूँ यार, ये फिंगरप्रिंट्स वगैरह नहीं छोड़ता हूँ, तू चेक कर ले। फिंगरप्रिंट्स नहीं छोड़ता? पर्स, पर्स नहीं है भाई। अरे मेरा पर्स ले गया क्या तू? तुमने सुना, वेगस में 5 मर्डर हुए हैं और वो भी किसी इंडियन ने किए हैं, पता है? हम लोगों को कुछ नहीं पता, हम तो वहाँ थे ही नहीं, तो हम क्या जाने। अरे बताना इसको। पता है, मैंने ही तो किए हैं। नहीं यार, ये भी जानता है। बोलता है किसी को बताने मत और खुद ही बोल देता है। दे का लौटा। अच्छा तो तुमने किए हैं? हा हा हा, तो कैसे किए हैं बताओ बताओ। बताओ बताओ। झूठ पर भी लड़कियां मरती हैं, ये पहली बार पता चला। लड़कियां तो झूठ से ही पढ़ती हैं,
ये बात तू नहीं जानती थी? बेचारी, कितनी भोली है तू। परसों मैं सुवेना जा रही हूँ और तुम मेरे साथ आ रहे हो। मैं नहीं आ रहा। I love you, I mean, I hate you. You know what I mean? I really hate you. हेलो सत्या। हाँ सर। I hate you. अरे नारायण, अभी से इतना मार रहे हैं, शादी क्या खाक करेंगे? अरे नारद जी, ये दोनों एक बार नहीं बल्कि तीन तीन बार शादी करेंगे, बस देखते जाओ। Hey man, what are you doing? जॉर्डन में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। लोकेशन पर प्रस्तुत 6 लोकल ऑफिसर्स और भारत के सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर मिस्टर भारद्वाज गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में ले जाने की तैयारी शुरू हो गई है। सत्यम, जो सूट तुम्हारे पास है उसका डिलीवरी एड्रेस उसने वहां पर ब्लास्ट करवा दिया। मैडम मैडम, इट्स अर्जेंट मैम। ये खेल सिर्फ एक सूट का नहीं है, इसके पीछे कुछ और है। क्या हुआ तुम्हें? इस सूट में कुछ नहीं है। ए, देखो तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। हम लोगों के पास जॉर्डन का एड्रेस आ गया था, इसलिए उसने हमारे साथ गेम खेला और बॉम्ब ब्लास्ट करके पूरी जगह मिटा दी। I wish it was true. Wish मतलब? I mean, क्या डाउट है तुमको? वो कैसा दिखता है पता नहीं, कहाँ रहता है पता नहीं, उसे पकड़ने का सिर्फ एक ही क्लू है। वो जानता है कि हम सूट को फॉलो करते हुए यहाँ उसके पास आए हैं। वो जरूर सूट हथियाने की कोशिश करेगा, तब हम उसे पकड़ लेंगे, ये उसको पता है। इस सूट में ऐसा क्या है कि वो इसके पीछे इतना पागल हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कि उसे ये सूट नहीं चाहिए। कुछ नहीं पता, वो कभी हमारे हाथ नहीं लगेगा। उसने हमें मारने के लिए गुंडे हायर किए थे। हम उसे पकड़ना चाहते हैं, इसलिए वो हम पर अटैक कर रहा है। ट्रू विलेन। He is magnificent. Welcome, Mr. Padmanabham. मैंने तुम्हें मैजिक देखने के लिए नहीं बुलाया है, तुम्हें जिस काम के लिए हमने 2,000 करोड़ रुपए दिए थे, बताओ उस काम का क्या हुआ और ये बात सेंट्रल इंटेलिजेंस को कैसे पता चली? इसके बारे में हम दोनों के अलावा किसी को पता नहीं था। 2 हफ्ते के अंदर वो सूट मेरे पास होना चाहिए। What next? फिर कोशिश करता हूँ, निशाना लग जाएगा। अरे मैं अपने ससुर के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर उसे सूट चाहिए तो उसे तुझे कांटेक्ट करना ही होगा। हेलो आदि, तुम मना नहीं कर सकोगे, इतना बड़ा ऑफर है। Let's meet. ओए, तू भगवान है या कि बाबा? फोन आ गया, कल मीटिंग है सैन फ्रांसिस्को। लोकेशन ट्रैम नंबर 2782। होशियारी से काम करना। मुझे बुलाकर ये खुद क्यों उतर गया? यहाँ आने के लिए शुक्रिया, हमारे आदमियों ने जो बुरा बर्ताव किया उसके लिए सॉरी। सत्या बहुत खतरनाक है, उसको
पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। ये भी उतर गया, इन्हें कहीं मुझ पर शक तो नहीं हो गया है। सत्या को भी हम अपनी तरफ ला सकते हैं। संभाल के आदि, मेरा नाम मत ले, इग्नोर कर। I can handle it. He's my best friend. You know, I can handle it. सूट कहाँ पे है? सत्या के पास है। I mean, सत्या has it. सत्या कहाँ है? सत्या वो होटल ट्रम्प, रूम नंबर 2782। अरे आदि, तेरी जुबान बहुत चलती है। क्यों बता दिया कि मैं इसी शहर में हूँ? हाँ, उसे लग रहा था कि मैं सूट लेकर वापस चला गया हूँ। अब वो गन निकालेगा, किसी तरह वहाँ से निकल जा। वो यहाँ क्या कर रहा है? उसे सूट के बारे में और क्या पता है? मर गया मैं तो। हमारे साथ डबल गेम खेल रहा है। मिस्टर मालिक, किड्डो, लिसन, $15 million, ऑलमोस्ट 100 crores, कभी देखे तूने? नहीं देखे, देखना चाहेगा तू? होटल ट्रम्प। अरे यार आदि, किसी छोटे होटल का नाम ले लेता, अब इस होटल के लिए पैसे कहाँ से लेकर आऊंगा? People come here for good fish. My name is Vanilla. If you need anything, please call me. Yeah, okay, sure. Thank you very much, Vanilla. अरे वाह, क्या टाइमिंग है। मेरा गलत टाइम शुरू हो गया। हेलो वेनेला, तू यहाँ क्या कर रहा है? ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए। अगर तू मुझसे सवाल करेगा तो मैं क्या पूछूंगा तुझसे? देख, तू यहाँ से चला जा प्लीज, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ। एक मर्डर बाकी है ना, वही करने आया हूँ। क्या बोल रही, लोगों को मारने का काम करता क्या तू? जरा एक बार फिर से पूछ। मेरा मतलब, ये तेरा जॉब है या प्रोफेशन है? दोनों है, चल तुझसे एक काम है। पर मेरी तो जॉब है यार। क्या यार, जितने पैसे बचे थे सारे इस रूम को बुक करने के लिए खर्च कर दिए मैंने। सत्या, ये रूम है या महल? मैंने उन लोगों से कहा है कि मैं यहाँ रह रहा हूँ। किन लोगों को कह दिया? किसको एड्रेस दे दिया तूने? जो लोग मुझे जान से मारना चाहते हैं, उन लोगों को। मतलब जो तुझे जान से मारना चाहते हैं, तूने उनको अपना एड्रेस दे दिया और खुद तू उनका यहाँ वेट कर रहा है? अरे यार, टाई पहनने वाला आदमी हुआ करता था, यहाँ आने के बाद सॉक्स खरीदने के पैसे नहीं बचे। तेरी दोस्ती में मैं मर जाऊंगा। मैं चला भाई। क्यों बे? मैं जा रहा हूँ बस, मुझे मरना नहीं है यहाँ। अरे वनेला, तू भी यहीं रह मेरे भाई, दोनों मिलकर खाएंगे, मिलकर मर्डर करेंगे। इतना बड़ा रूम है, अकेले बोर हो जाऊंगा। वो लोग यहाँ आते ही होंगे, तू ही वेट कर उनका। वेलकम सर। कहाँ था अभी तक? शौक में था। पैसेंजर कौन था, उसका आदमी कौन था और बड़ा आदमी कौन था? वो खुद था कि नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। अच्छा मैनेज किया उसने। कितना ऑफर किया उसने? पूरे 100 करोड़ रुपए। 100 करोड़ मतलब ये रूम भर जाएगा, तेरा बेडरूम, मेरा हॉल, सब कुछ भर जाएगा। क्या बोलता है? हाँ सत्या। सर, उस मामूली सूट के लिए उसने 100 करोड़ ऑफर किया है, कुछ तो गड़बड़ है सर। एक मामूली सूट के लिए 100 करोड़? 100 करोड़? सूट सेफ है ना? सूट सेफ है ना? सूट इज सेफ। वो मुझे छोड़कर चला गया, फोन भी नहीं किया। पता है क्या बात है? यू आर साउंडिंग सैड, आर यू मिसिंग हिम? पसंद आ गया क्या वो? तू ना मुझसे ऐसे सवाल मत कर,
मैं तुझसे झूठ नहीं कहना चाहती। टैरो कार्ड है नारी का रूप लिया हुआ अर्जुन। वो जो बोलता है, जो करता है, वो सच नहीं है, पर वो जो करता है, वो जो भी करता है वो मुझे अच्छा लगता है। फोन रख। टैरो रीडर। मुझे नहीं पता, जिसका फोन है उसे पता होगा। 415555 सूट। शिट। 555 इतनी रात को क्यों कॉल कर रही है? Excuse me, you have to switch off your phone, please. मैं कल सुवेना जा रही हूँ और तुम मेरे साथ आ रहे हो। मैं नहीं आ रहा। नहीं आएगा बोला था ना, मतलब उसको आना चाहिए ना, फिर क्यों नहीं आया बताओ ना। छोड़ो मुझे। वही तो कर रहा हूं। तो छोड़ना मत। अब भी वही कर रहा हूं। I hate you. I really hate you. I hate you too. Nothing phone, sir. Huh? Wow. Huh? You know, इतना बड़ा रूम मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। हेलो माँ। पागल, एक हफ्ते से कोई फोन नहीं, कोई अता पता नहीं। हाँ, तुझे पता है हमें कितनी टेंशन होती है। अरे हाँ, तुझे पता ना, भूल गई, तेरे मामा ने तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढा है। मामा जी को कोई दूसरा काम नहीं है क्या? उसे कह दो माँ, मुझे शादी नहीं करनी। अरे बाप रे, कहीं ऐसा तो नहीं कि तू किसी गोरे को यहाँ पर लेकर आएगी और हमें बताएगी कि यही इस घर का दामाद है? उन्हें इंग्लिश नहीं आती माँ। अरे वाह बेटी, तूने अपना पति ढूंढ लिया है, ये बात कितनी चालाकी से बता दी। हेलो। सुन बेटा। हाँ माँ। तू किसी गोरी मैम से शादी करके उसे यहाँ लेकर आ जाएगा, उससे पहले मैं ही तेरे बाप के पास चली जाती हूँ और उनकी पूरी जायदाद आश्रम के नाम कर देती हूँ। सोच रही हूँ कि मैं कृष्ण के पास ही चली जाऊँ, इसलिए फांसी लगाने जा रही हूँ। जायदाद आश्रम के नाम करोगी? वाह बेटा, तुझे जायदाद की फिक्र है माँ की नहीं, मेरे मरने का दुख नहीं तुझे। अरे माँ, लड़की अपने ही शहर की है। मुझे तुझ पर भरोसा नहीं है, अगर वो तेरे साथ है तो मेरी अभी उससे बात करवा। एक मिनट रुको माँ, अभी बात करवाती हूँ। एक मिनट माँ। एक्चुअली एक छोटी सी हेल्प। अनजाने में माँ से एक झूठ बोला था, तुम हेल्प करोगी? सेम हियर। हाँ
तुझे पता है बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। तुझे मेरा बेटा पसंद तो है ना? बहुत। ताड़ी में तो एकदम फिल्मी हीरो लगता है। बस बस बेटा, अब बस तुम लोग जल्दी से वापस आ जाओ। तुम्हारी माँ को मैं बिल्कुल पसंद नहीं आया। और तुम्हारी माँ को भी मैं जरा भी पसंद नहीं आई। तूने जो एड्रेस पूछा था ना, वो यही है। अंदर तुझे पीटर मिलेगा, उसे ये दिखाना। वो कुछ देगा, लाकर मुझे दे। पीटर, हाउ कैन आई हेल्प यू? EQ01583306 34 38। मेरी जेल में बुकिंग पक्की है। सॉरी, इट्स ओके। ये क्या कर रहा है? लेफ्ट हैंड से क्यों पकड़ा है? इस हाथ में चोट लगी। आदि, 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 I'm coming. छोड़ो मुझे, तू बचेगा नहीं, मरेगा तू। I will kill you. I won't leave you. किट्टो, कभी इतने पैसे देखे हैं तूने? तू मरेगा, बचेगा नहीं तो मरेगा तू। Bad bloody taste. Adi. Yeah, Adi. हाँ बोल। क्या कर रहा है? कहाँ है तू? स्पा विद ब्यूटीफुल गर्ल्स, एंजॉय कर रहा हूँ। हाँ ओके ओके ओके, ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। आई कॉल यू बैक। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। Don't harm us. Go to your country. What are you doing here? No harm to you. Now you should leave. Please. Push him, man. Push him. Leave already. Go. Now beat it. Go right now. Please. Go to your country. What are you looking at? Get out of here. Okay, okay. जी, कैसे बदतमीज लोग हैं ये? क्या हो गया तुम्हें? मुझे पता नहीं था लोग एक दिन ऐसी बातों पर लड़ेंगे। कहना क्या चाहती हो? ऐसे कोई देश से निकाल सकता है क्या? अमेरिका में लोग अपना फ्यूचर बनाने आते हैं, पर ये लोग कैसा बुरा बर्ताव कर रहे हैं। ऐसे लोगों को तो मार देना चाहिए। मारना है ना? इंसान इंसान को कैसे मार सकता है? मैं नहीं देख सकती। तो बिना देखे मारो। वो कैसे? I'm coming. Yay! Yay! Oh! Yay! Ah! Oh! Hey! Yay! Yeah!
हाथ रोक लिया, वरना पता भी है क्या हो जाता। बहुत हिम्मत है तुम में चैत्रा। किसी से कम मत समझना मुझे। I badly need a shower. So baby, pull me closer in the back. हेलो सत्या उर्फ शोमैन, वैकेशन अच्छी तो चल रही है। तुम्हें एक ब्रेकिंग न्यूज देता हूँ, तुमने जो सूट इतने अच्छे से इतने समय तक छुपा कर रखा था वो अब मेरे पास है। अब तुमसे कोई काम नहीं है मुझे बालक। गुड लक। ओ बेबी पुल। हे क्या कर रहे हो तुम, क्या ढूंढ रहे हो? हाँ सूट तो यही है, तो उसने झूठ क्यों बोला? समथिंग इज रॉन्ग। सूट किसका है? हाँ? वो लोग आते ही होंगे, हमें जाना होगा। लेट्स गो। कौन आ रहा है? भागते हुए बात करते हैं। हेलो, वी लॉस्ट हिम। फिर से बच गया। हाँ दी बोल। सत्या कहाँ है तू? लिंकन स्टैच्यू। Can I have a lighter, please? Sure. Thank you. Officer, I need your help. We are searching for the guy in the blue shirt with the backpack, Indian. Okay, blue shirt, backpack, Indian. Got it. I think I have found him. He's not that guy. Nice design, man.
इस सूट पर ये उंगलियों के निशान कैसे? Hey, Mister, what are you doing? सर, मैंने कुछ फिंगरप्रिंट्स की फोटोज भेजी है, जल्दी चेक कीजिए। कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? वो मैं एक्चुअली वो लोग कौन हैं जिनसे तुम भाग रहे हो? सच बताऊं तो वो लोग मेरे पीछे इसलिए पड़े हैं क्यों मैं यहाँ बात कर रहा हूँ और तुम वहाँ देख रहे। I'm really sorry. इसकी वजह मैं हूँ ना? Let me solve it. क्या बात है ऊपर वाले, टाइमिंग पर इन सैंपल्स को भेज दिया तूने। अरे तुम लोगों का झगड़ा मुझसे है ना, तो जो करना है मेरे साथ करो, इससे उसका कोई संबंध नहीं है। जो होना था सो हो गया, पहले तुमने ही मिसबिहेव किया था ना। चलो सॉरी बोलो। सॉरी। Is she crazy? Yes. Problem solved. अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। सत्या, ये फिंगरप्रिंट किसी से मैच नहीं करते। Neither a criminal nor a celebrity. It's so confusing. ये फिंगरप्रिंट किसके हैं? पता लगाने के लिए उसे जिंदा पकड़ना होगा। We need him alive. इस पेंटिंग और सूट को एक ही एड्रेस पर क्यों भिजवाया गया था? इनमें जरूर कोई संबंध है। रोप ट्रिक मैजिशियन पद्मनाभम। लिखितम अपि ललाटे भुज्जुतम समर्था। मतलब जो भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता। मतलब पता है मुझे, बोल क्यों रहे हो बताओ। जब सूट हमारे मेंशन के लिए हैदराबाद से निकला तभी तुम्हें अपना हुलिया बदल लेना चाहिए था। पहले सूट हमारे मेंशन पर डायरेक्टली आने वाला था, पर पहले वेगस में सूट भिजवाकर तुमने अपनी उम्र बढ़वा ली। उसके बाद तुमने बरसों से हमारे मेंशन में पड़ी हुई पेंटिंग जिस पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ था उसी एड्रेस पर वापस भिजवा दी और इस तरह अपनी उम्र कम कर ली। भगवान किसी भी इंसान को खुद कमजोरी देकर पैदा नहीं करता, इंसान अपनी कमजोरियां खुद बनाता है। अगर तुम उस सूट का पीछा छोड़ दो यू हैव ए चांस टू सर्वाइव। भगवान किसी को कमजोर पैदा नहीं करता, वर्ल्ड क्लास स्टेटमेंट था। एक बार फिर से सुनने का मन कर रहा है। कम ऑन, एक बार फिर। सर, यू हैव अ विजिटर। हाय। Hi, gentlemen. Hi. Sit. And you are Mr. Satya, Central Intelligence, India. I know. देखते ही पता लग जाता है. I love India. हालांकि छोड़े काफी साल हो गए. Forget it. Tell me, what can I do for you? We are searching for a criminal. We need help. इस पेंटिंग से आपका कोई कनेक्शन है? Wow, beautiful. लगता तो है कि इसे कहीं देखा है, पर कहां देखा याद नहीं आ रहा। You know, I am a magician. I perform Indian classic rope trick. किसी फैन ने दिया होगा, किसने दिया याद नहीं आ रहा है। Okay, I am very sorry. कुछ जरूरी काम है, याद आएगा तो फोन करूंगा।
Officer, I wish you find your amigo. I mean, your criminal. Wish? एक ताकतवर को खत्म करने भगवान हमेशा दूसरा पैदा करता है. It's in your pocket, man. Give me all your money. Oh, no, man. Just go. Just go. You give me all your money, huh? Money? Come from. No way. 415-555-6996. Come on, man. Call from. 415-555-6996. Are you scared? Go away from me. Call from. 415-555. लगता है कि ये मरने वाला है. अब इसका क्या करना है? अब इससे हमें क्या काम? Let me think. 415. जिसका फोन है 6996. कम से कम इसके लिए एक अच्छी कब्र तैयार करो. बाकी मैं हैंडल कर लूंगा उसे मारने के बाद. किसका फोन है? रॉन्ग नंबर था. 100 करोड़ ये रूम भर जाएगा. सूट सेफ है ना? हाँ दी, बोल. कहाँ पर है तू? लिंकन स्टैच्यू. रॉन्ग नंबर. आधी मिला हुआ है. गुड लक. तो कल हमें सूट हैंड ओवर करना है. किसको? अश्वत्थामहतः कुंजरः. पता नहीं. क्या पता नहीं? अश्वत्थामहतः कुंजरः. कौन है पता नहीं, फिर कैसे दे सकता है? कैसा दिखता है वो भी नहीं पता. क्या कहा? कैसा दिखता है ये भी नहीं जानता है, फिर सूट कैसे देगा? उसके लिए कोई कोड वर्ड मिला है. अश्वत्थामहतः कुंजरः. लोकेशन क्या है? मेट्रो स्टेशन. टाइम? 12:30. ट्रेन नंबर? 2674. कोड वर्ड? उमराव जान. नहीं, यहाँ पर कोई उमराव जान नहीं है. रॉन्ग नंबर. नहीं बाबा, मैंने कहा ना, रॉन्ग नंबर. यहाँ पर कोई उमराव जान नहीं है. व्हाट कैन आई डू फॉर यू? सत्य, सेंट्रल इंटेलिजेंस. आई एम गुरुनाथम. प्लीज. मैं और तुम्हारे कमिश्नर 30 साल से दोस्त हैं. सर 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 सर, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है. सर मेरी बात तो सुनो. सर सर सर, हेलो सर, प्लीज प्लीज सर, हेलो हेलो सर. तू इस वक्त कहाँ है? दुनिया में कोई नहीं जानता इस सूट के पीछे कौन पागल पड़ा है, वो कैसा दिखता है. अगर ये तुझे बताना है तो कॉल करना, वरना. सर 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 सर, प्लीज सर, खोलिए नहीं तो मैं मर जाऊंगा. मर जा. सर
सर प्लीज सर। हेलो विश्वनाथ जी सुनिए, आई एम ट्रैप्ड, एक कब्र के अंदर हूं, कहां हूं ये नहीं पता, कुछ जल्दी कीजिए प्लीज। मैंने तुमसे कहा था तुम्हारा समय आ चुका है, यू आर लकी, फिर भी तुमने काफी जी लिया। मरने के बाद आ जाऊंगा विद योर फेवरेट रोजेस। हेलो 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 हेलो, सर सच में मैं उसको नहीं जानता, लेकिन एक आदमी है जो आपको उस तक ले जा सकता है, और उसका नाम है विश्वनाथ जी। मैं बात करता हूँ सर, टू मिनट्स प्लीज। बताइए विश्वनाथ जी, अगर आप नहीं बताएंगे तो आपके साथ मुझे भी मार देंगे, पर मैं जीना चाहता हूं। सर थोड़ा टाइम दीजिए, मैं इसका डर समझ रहा हूँ सर, बोलेगा तो वो मार देंगे इसे, नहीं बोला तो आप इसे मार देंगे सर। अरे वो तो पूरे परिवार को मार देगा, पता है क्यों? पता है क्यों? क्यों? क्योंकि he is a bad man। क्यों विश्वनाथ जी? मेरा डर जायज है ना, बोलिए। इंसान अपनी कमजोरियां खुद बनाता है ना, तुम्हारी अच्छी फैमिली है, छोटे छोटे बच्चे, उनके बारे में सोचो ना, सोचना चाहिए तुम्हें। सॉरी सर, अभी बोल देगा सर। बोलो, आप अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोच रहे हो, डिसाइड डिसाइड। ओह माय गॉड सर, इतना कुछ हो गया, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, आप ही मुझे मार दीजिए सर प्लीज सर सर सर। जब तक वो सूट नहीं आता उसकी जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक तूने छोटा गेम देखा, रियलिटी शो अब शुरू होने वाला है, और इस गेम में एक भी आदमी जिंदा नहीं बचेगा। गेट रेडी बालक रे बालक। चैत्रा चैत्रा, चैत्रा, चैत्रा। ब्लड समझकर डर गए थे क्या? सांस है, सोचा साफ कर दूं, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहती थी इसलिए साफ नहीं किया। पर यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें मेरी चिंता है, और इसलिए मैं अभी के अभी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। आई लव यू, आई मीन आई हेट यू। ये क्या है? खून है। थैंक गॉड, मैं तो सोच रही थी कि खून है, शुक्रिया कि ये सॉस है। तुम भी साथ चलो ना प्लीज, इतना दूर अकेले जाने में बोर हो जाऊंगी। घबराओ मत, तुम जाओ मैं आऊंगा।
सत्या, यू स्केयर्ड मी। सूट कहाँ है? वो सूट? सत्या, मैं तुम्हारी खामोशी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो फिंगरप्रिंट किसके है पता है तुम्हें? आर्मी जनरल सुब्रत रॉय के। आर्मी जनरल सुब्रत रॉय? उनके फिंगरप्रिंट सूट पर कैसे? सुब्रत रॉय हैंड पेंटिंग आर्टिस्ट थे और उन्होंने एक पेंटिंग द ग्रेट रोप ट्रिक मैजिशियन पद्मनाभन को गिफ्ट की थी। उन्होंने पेंटिंग उसे भिजवाई, पर पद्मनाभन तक वो पहुंचे उससे पहले ही विलन ने उसे चोरी करवा ली। उस पेंटिंग को वेगस में एक स्टीव नाम के आदमी के पास भिजवाया। वो आदमी स्टीव स्कैटर्ड फिंगरप्रिंट्स को एक जगह अरेंज करने में एक्सपर्ट है और उसका काम था उन फिंगरप्रिंट्स को सूट पर ट्रांसफर करना। लेकिन फिंगरप्रिंट से वो करेगा क्या? पूरी इंडियन आर्मी को कंट्रोल करेगा। न्यूक्लियर वेपन्स तक को लॉन्च कर सकता है। वो पूरे देश को तबाह कर सकता है, यानी सब कुछ बर्बाद। हमें जल्दी वो सूट इंडिया भेजना होगा। सूट कहाँ है सत्या? फेरी मॉल, लॉकर नंबर 2706। गो गेट इट सत्या। मास्टर ऑफ डिस्गाइज। सर, सत्या, मैं कब से एयरपोर्ट पर हूँ, सैन फ्रांसिस्को। एक घंटे से मैं यहाँ खड़ा हूँ, तुम कहाँ हो? पूरी इंडियन आर्मी को कंट्रोल कर सकता है। सूट कहाँ है सत्या? कमिश्नर एयरपोर्ट पे है तो रूम में कौन था? रियलिटी शो अब शुरू होने वाला है। We got the suit, sir. Do you have a lighter? Yeah. छोड़ो मुझे। बोलो अफजल। पद्मनाभम, तुम्हें जो टाइम दिया था वो खत्म हो गया। सूट कहाँ है? Come to Trump Tower. Come in, Mr. अफजल खान। वेलकम अफजल। सर, आप यहाँ? सत्या कहाँ है? जॉब इज डन। मास्टर ऑफ डिस्गाइज, पता चल गया कौन है। पद्मनाभम, द वर्ल्ड फेमस रोप ट्रिक मजिशियन पद्मनाभम, ही इज इन माई डिस्गाइज। वो भाग गया सर। आप हंस रहे हैं सर। चलिए मेरे साथ चलिए। hey, तुम वहां से भागकर कैसे आए? हाउ कुड यू एस्केप फ्रॉम दैट प्लेस? यू पद्मनाभम। Hey!
वाओ, टफ गाय। मैंने तो सोचा था तेरी आवाज पर नहीं सुनूंगा, बट स्टिल वो कोर्ट मेरे पास है और तू कुछ नहीं कर सकता। तुझे एक ब्रेकिंग न्यूज दूं, जो सूट तेरे पास है और जिस सूट को तू इतने दिनों से ढूंढ रहा था वो अलग अलग है। जो सूट इस वक्त तेरे पास है वो तेरी मौत की वजह होगी। सूट चेक कर। हम लोग नीचे जाते हैं, चल। तुम्हारी ये ड्रेस चाहिए। बच्चों को कहीं देखा क्या? मुझे मार दोगे तो तुम्हारे बेटा नहीं मिलेगा, वरना तुम्हें है राजा। फ्लैशबैक। कल तक तेरा अतीत तेरा पीछा कर रहा था, लेकिन आज के बाद तेरा काल तेरा पीछा करेगा। अब दुनिया में ऐसी एक ही जगह बची है जहां तू छुप सकता है। जाकर जहन्नुम में छुप जा। Okay, listen. Though I'm sounding stereotype, पर सेंटिमेंट्स इंसान को एकदम कमजोर बना देते हैं। You know why I'm saying this? मेरे बगल में बैठा कमिश्नर, ट्रेन में जा रही तेरी गर्लफ्रेंड अभी तक दोनों जिंदा है। अगर 30 मिनट में वो सूट मेरे पास नहीं आया तो तू मुझे डरा रहा है। अगर ऐसा है तो मैं खुद उन दोनों को मार कर दफना दूंगा। ना मुझे कोई रिश्ते चाहिए, ना किसी से मेरा कोई लेना देना है। मेरी जिंदगी का सिंगल एजेंडा है और वो है तेरी मौत। तुझ तक पहुंचने के लिए मैंने 28 लोगों को मारा। हेलो पद्मनाभम। और अब 29 लोगों को। कमिश्नर गया तो अकाउंट हो जाएगा 120। ए रुक रुक रुक, ऐसा मत करना। वो कमिश्नर मुझे जिंदा चाहिए, उसने मेरे बाप को मारा है। दो आई एम साउंडिंग लाइक अ स्टीरियोटाइप। आज तुम दोनों का आखिरी दिन है। जस्ट टेल मी कहां पर आना है। We are searching for a criminal. I wish you find your amigo. I mean, your criminal. थका हुआ लग रहा है तू? I mean, 20 साल से तू मुझे ढूंढ रहा है तो थक तो जाएगा ही ना? I am impressed, बालक। तुझे मोक्ष प्रदान करने के लिए मैं स्वयं प्रकट हुआ हूँ।
Are you ready? Are you ready? Hey, सूट जरा संभाल के। कहा ना तुझे सूट जरा संभाल के। और मैंने भी कहा था ना, मार दूंगा तुझे। अच्छा, हाय हाय बालक, आई एम हियर। 20 साल पहले भी ऐसी सिचुएशन में फंसा था तेरा बाप। मेरे सामने गिड़गिड़ाते हुए मेरे पैर पकड़ रहा था, पर तू तो मुझे जान से मारना चाहता है। बाप बेटे के खून में इतना फर्क कैसे? तुझे अपना असली बाप तो ठीक से याद है ना बालक? इस सवाल का जवाब मेरे डैड ही देंगे तुझे। थोड़ी देर और रुक जा, तेरी मीटिंग अरेंज की है उनके साथ। जस्ट फ्यू मोर मिनट्स। Not bad, Balak. I'm impressed. If उस दिन तुम्हारे पिताजी को मैंने जानबूझकर, अगर फिर भी तुम मुझे मारना चाहते हो तो। सर कैसी बात कर रहे हैं आप? आपको क्यों मारूंगा मैं? मजाक करते हैं आप ही। मैंने उससे झूठ कहा कि मैं आपको मारना चाहता हूं, वरना आपको मार देता। आपकी जान बचाने का मेरे पास बस यही एक रास्ता था, और अब वो मर गया ना। तुमने उसे मार क्यों डाला? हमें वो जिंदा चाहिए था। अब वो फिंगरप्रिंट्स किसके हैं कैसे पता चलेगा? सर आर्मी जनरल सुब्रत रॉय के फिंगरप्रिंट से कोई क्या कर सकता है? बहुत कुछ कर सकता है। न्यूक्लियर बॉम्ब लॉन्च कर सकता है, आर्मी को कंट्रोल कर सकता है, बहुत कुछ कर। हाउ डू यू नो वो फिंगरप्रिंट्स आर्मी जनरल सुब्रत रॉय के थे? हाउ डू यू नो? लंबी कहानी है सर, फिर कभी बताऊंगा। गर्लफ्रेंड का फोन है, बात करनी पड़ेगी। हाँ चंद्रा, मेरे सारे ड्रीम्स पूरे हो गए सिर्फ एक ड्रीम छोड़कर। कौन सा ड्रीम? मैं नहीं बताऊंगी। बताओ ना। नहीं बताऊंगी। बताओ। नहीं बताऊंगी। नहीं बताऊंगी। नहीं बताऊंगी। चंद्रा रुको। अरे बता दे तू तो सही। नहीं बता रही है। I want to marry a super cop. तथास्तु। प्रभु, जब हम वेगास गए थे तो आपने कहा था कि 3 बार वो लोग एक दूसरे से शादी करेंगे। पहली बार दोनों ने एक दूसरे को देखा तो वो शादी मान ली आपने। ये हुई पहली, हाथ में हाथ डालकर घूमे दूसरी। तीसरी वाली कौन सी थी? नादान नारद जी, जब उन दोनों ने वेगस में पी रखी थी तभी उनकी पहली शादी हो गई थी। लव यू। और इस तरह से इंद्र जी का ईगो खत्म हो गया। हैंस प्रूव्ड Marriages are made in heaven.